ये किसने कहा तुमसे वफादार नहीं है, हमको न सताओ के गुनाहगार नहीं है, और जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन है कोई गद्दार नहीं है। हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, अपना कलेजा निकाल के हिंदुस्तान के सामने रखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो लोग अभी भी हमें अपना वफादार नहीं कहते हैं, जबकि हमने जंग आजादी में जितनी कुर्बानियां दी हैं उसकी मिसाल दुनिया के किसी खित्ते में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तर्क हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, तर्क हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते। मादर हिंद तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरी कोख से गद्दारी नहीं कर सकते। हाजरीन कराम, आइए उस अलबेले शायर के हुजूर चलते हैं जिसने इस मजलिस को सजाया है, जिसने इस बस्ती में उर्दू अदब की कंदील रोशन की है। आइए, मैं चाहता हूं कि वक्त का मौरिख जब तारीख लिखेगा तो खित्ते में, इस खित्ते का जब जिक्र आएगा उसमें सरे फहरिस्त राहिल रब्बानी का भी जिक्र होगा कि उसने अपने वतन अजीज में एक ऐसी मजलिस मुनक्किद की थी जो इससे पहले किसी ने इस बात की जुरत नहीं की। आइए, मैं उसकी जुरत को सलाम करते हुए आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जनाबे राहिल रब्बानी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मौजूद सामने हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस मुशायरे में जितने भी लोग आए हैं, जितने मेहमान शायर आए हैं, मैं सबका खैर मकदम बिना किसी तमीज के, सर इस बात में डरा इसलिए हूँ कि नासिर साहब पीछे आप है और आगे आप है, इसलिए थोड़ा सा देखिए बिना किसी तमीज के यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। सीधी बात आपने क्यों नहीं कही, पीछे आप है सामने। जी जी, देखिए यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हालत हिजर में जीना नहीं अच्छा लगता। क्या कहने, वाह वाह वाह, सॉरी एक हालत हिजर में, हालत हिजर में शहनाई से डर लगता है। क्या कहने, वाह वाह, हालत हिजर में शहनाई से डर लगता है, इश्क को जैसे तमाशाई से डर लगता है। भाई जुड़ जाए एक बार जोर से, वाह वाह वाह, हालत हिजर में शहनाई से डर लगता है, हिजर में जैसे इश्क को जैसे तमाशाई से डर लगता है, भरी महफिल में उठा देते हैं दागों से नकाब। इश्क को जैसे तमाशाई से डर लगता है, भरी महफिल में उठा देते हैं दागों से नकाब, इन अमीरों की पसीराई से डर लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, भरी महफिल में उठा देते हैं दागों से नकाब, इन अमीरों की पसीराई से डर लगता है। मतलब शेर अक्सर ये देखिएगा कि आखब किससे तहय्युर का तमाशा मांगे, आखब किससे तहय्युर का तमाशा मांगे, निगाहे नास तो रोने का बहाना मांगे, आखब किससे तहय्युर का तमाशा मांगे, बहुत निगाहे नास तो रोने का बहाना मांगे, मैं वो महरूम के जैसा कोई वीराना हूँ, मैं वो महरूम के जैसा कोई वीराना हो, तू वो खुश फहम जो ख्वाबों से खजाना मांगे, मैं वो तू वो खुश फहम जो ख्वाबों से खजाना मांगे। और एक मतला दो शेर ये देखिएगा सर, हमारे बाद हिंदुस्तान मायना शायर जनाब नासिर फराज साहब सुनना है, फारूक बिनोरी साहब है, बहुत बहुत बड़े शायर, मुस्तफा वाजी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बहुत आपका खैर मकदम करते हैं, बहुत अच्छी बात। जी 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 तशरीफ लाए, देखिएगा कि एक मतलब दो शेर ये देखेंगे, मुझसे हर लम्हा कयामत नहीं देखी जाती, अच्छा है मुझसे हर लम्हा कयामत नहीं देखी, अच्छा पढ़ रहे यार राहिल साहब, क्या कहने, जज्बाए दिल की ये हालत नहीं देखी जाती, मुझसे हर जज्बाए दिल की ये हालत नहीं देखी जाती, और साजिशें रोज बुना करते हैं हमसे अपने, डॉक्टर नाइन साहब देखेंगे क्या कहने, साजिशें रोज बुना मुझसे जाती, साजिशें रोज गुनाह करते हैं हमसे अपने, अब ये दो रंगी सियासत नहीं, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, भाई ये दो रंगी का जवाब नहीं है यार, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, रोज गुनाह करते हैं हमसे अपने, अब ये दो, बहुत बड़ा शेर है यार ये, देखी जाती अब ये दो रंगी सियासत नहीं देखी जाती, और ओढ़े गुर्बत की रिदा अपने सरों पर हरदम, ओढ़े गुर्बत की रिदा अपने सरों पर हरदम, उस्ताद शेर देखना के ओढ़े गुर्बत की रिदा अपने सरों पर हरदम, यूं सिसकती हुई औरत नहीं देखी जाती। वाह 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 वाह,
अरे हालात हाजरा के अक्काशी हो रही भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अपने सरों पर हरदम ये सिसकती हुई औरत नहीं देखी जाती। अरे मेरे नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक मतलब और एक शेर अर्ज करता हूँ कि तेरी आंखों के इशारे नहीं समझे जाते। वे यार जसारत कर रहे हो तुम हमारे अब्दुल रज्जाक साहब के सामने, तेरी आंखों के इशारे नहीं देखे जाते। अब इनके हाथ पीले कर दो जल्दी से, जोरदार ताली बजा दो एक बार अपने लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी आंखों के इशारे नहीं समझे जाते, तेरी आंखों के इशारे नहीं समझे जाते, कुछ समझ लेता हूँ सारे नहीं समझे जाते। कहने वाह वाह, कुछ समझ लेता हूँ सारे नहीं समझे जाते, सारी रंगीनियां आती है समझ में लेकिन, सारी रंगीनियां आती है समझ में लेकिन तेरे गुलशन के नजारे नहीं समझे जाते। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। रंगीनियां आती है समझ में लेकिन तेरी गुलशन के नजारे नहीं समझे जाते। और तरन में एक मतलब देखिएगा जी, देखिएगा। जिसने राह निकाली दिए जलाने की, वाह वाह वाह, वो जिसने राह निकाली दिए जलाने की, वही मिटा न सका तीरगी जमाने की। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मिटा न सका तीरगी जमाने की। और अभी चंद महीनों पहले जो अमरावती में जो हुआ उसके ताल्लुक से सर नईम सर एक शेर देखिएगा कि वही मिटा न सका तीरगी जमाने की। बहुत अच्छे, वाह वाह। लहू किसी का कभी रायगा नहीं जाता, लहू किसी का कभी रायगा नहीं जाता, लहू किसी का कभी रायगा नहीं जाता, सजा मिलेगी तुम्हें बस्तियां जलाने की। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। सजा मिलेगी तुम्हें, जिंदा शायरी पढ़ रहे यार, वाह 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 वाह। सजा मिलेंगी तुम्हें बस्तियां जलाने की। और आखिरी दो शेर और सहमत तमाम बहुत मायना शायरों का। अरे पढ़िया पढ़िया पढ़िया। तुम्हारी याद ने फिर जख्म कर दिए ताजा। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद ने फिर जख्म कर दिए ताजा, हाँ कर दिए ताजा। बहुत की कोशिश हमने तुम्हें बुलाने की। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अरे पढ़िए पढ़िए। हमने तुम्हें बुलाने की। और एक मक्तार किए कि खुदा के वास्ते राहिल हमको बतलाओ, खुदा के वास्ते राहिल हमको बतलाओ। नौजवान दोस्त मेरे रखते मक्ता सिंह के खुदा के वास्ते राहिल हमको बतलाओ, कहां से सीखी है तरकीब दिल चुराने। बहुत 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 शुक्रिया। कहां से सीखी है तरकीब दिल चुराने की। अरे एक मतलब एक शेर देखिएगा कि सितम भी ढाता है और हम नवाई करता है, सितम भी ढाता है और हम नवाई करता है, बड़े सलीके से वो बेवफाई करता। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। सलीके से वो बेवफाई करता है, अनासिस के मुखालिफीन से मिलता है रोज जा जा कर। भाई जा जा का जवाब नहीं है यार, क्या अच्छी बात है, वाह वाह। मुखालिफीन से मिलता है रोज जा जा कर, ये काम और नहीं मेरा भाई करता। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। मुखालिफीन से मिलता है रोज जा जा कर,
ये काम और नहीं मेरा भाई करता है। और कदावरी का नशा जब से चढ़ गया उसको, क्या कहने, वाह वाह वाह, कदावरी का नशा जब से चढ़ गया उसको, हाँ चढ़ गया उसको, हमारे पाओ के नीचे खुदाई करता है। बात है भाई, वाह 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 वाह, हमारे पाओ के नीचे खुदाई करता है। बहुत अच्छी, बहुत। फिर उसके पास ही आकर वो बैठ जाता है, फिर उसके पास ही आकर वो बैठ जाता है, फिर उसके पास ही आकर वो बैठ जाता है। समंदरों की जो कतरा बुराई करता है, क्या कहने तमाम, कि उसी की जात पे कुर्बान मैं भी हूँ राहिल, उसी की जात पे कुर्बान मैं भी हूँ राहिल, उसी की जात पे कुर्बान मैं भी हूँ राहिल। नजर जो आता नहीं पर खुदाई करता,